द मिस्टिकल लैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया में मुस्लिमों के पाक तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म से ही हज यात्रा पूर्ण होती है। पत्थर मारने की रस्म, जो 3 दिन की होती है, एक चुनौतीपूर्ण, खतरनाक तथा कठिन पड़ाव है। मुस्लिम धर्म के लोग ईद उल जुहा पर ही शैतान को पत्थर मारकर रस्म पूरी करने की आशा करते हैं, क्योंकि यह रस्म ईद उल जुहा के पर्व से ही शुरू होती है। हज यात्री तीसरे दिन रमी जमा रात जाकर 3 बड़े खम्भों को पत्थर मारते हैं। यही 3 खम्भे शैतान हैं। इन पर पत्थर मारकर लानत भेजी जाती है। ऐसी मान्यता है कि हजरत इब्राहिम से एक बार अल्लाह ने उसकी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम का इस्माइल नाम का एक पुत्र था, जिसका जन्म बुढ़ापे में हुआ था और इब्राहिम उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अल्लाह के आदेश पर इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। जाते वक्त इब्राहिम को रास्ते में एक शैतान मिला। उसने इब्राहिम से कहा कि वह क्यों अपने पुत्र की कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए उनका सहारा कौन बनेगा। इब्राहिम ने थोड़ा विचार किया और उनको यह बात सही भी लगी, लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और चल पड़े। अल्लाह के पास पहुंचकर जब कुर्बानी के लिए अपने बेटे को दिया, तो इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह अपनी आंखों से अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देख सकते थे। जब कुर्बानी के बाद आंखों से पट्टी हटाई, तो अपने बेटे को सामने जीवित पाया और वहां पर एक मेमना कटा हुआ पड़ा था। तभी से बकरे या मेमने की बलि देने की प्रथा चली। इसलिए मुस्लिम संप्रदाय के लोग हज के अंतिम दिन बकरीद पर कुर्बानी देते हैं और रमी जमा रात में उस शैतान पर पत्थर फेंकते हैं जिसने इब्राहिम को कुर्बानी देने से रोका था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक तथा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हज यात्रा से जुड़ी और भी जानकारी दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे।